ना आपके खातिर मैं खाना ना खाऊं? आज आपने मार कुटाई कर दी, कल कोई कत्ल कर देगा, परसों चोरी कर लेगा, हमारा तो टाइम टेबल बिगड़ जाएगा ना मैडम। सॉरी, पहले खाना बाद में गाना। ना आप कुछ भूल रहे हो इंस्पेक्टर, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो तो पब्लिक की सेवा करना आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। वाह, आपको तो सब कुछ पता है। यो पता है आपको? पुलिस इज ओनली अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। हम लोग मुजरिम को कॉलर से पकड़ सकते हैं, इंटरोगेशन कर सकते हैं, पर सजा देने का काम है कानून का। और सजा दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज है यो रिपोर्ट। और पेट में अगर घुड़घुड़ हो रहा होगा भूख के मारे, तो रिपोर्ट क्या बंदा खाक लिखेगा ना? रिपोर्ट लिखी जाएगी। चांस है खाना खाने के बाद। खाना लग गया सर जी। क्या बात है, वेरी गुड। ना तब तक हम यहाँ बैठ के आपका मुंह ताकते रहे। ना तुम भी ज्वाइन कर लो डिनर में। पुलिस इज ऑलवेज एट योर सर्विस मैडम। मंगेराम, स्वीट में क्या है? रोहतक की खास गिवर है जनाब। ओए होए होए, स्वाद ही आ गया कति। स्वीट ना शेयर करूंगा मैं आपसे। आपसे कर लूंगा। लेकिन हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। पापा इंतजार कर रहे हैं हमारा, ज्यादा देर बाहर रुकने की इजाजत ना है हमें। क्लास ले लेंगे वो हमारी। ना आप तो निकल लो यहाँ से, आपकी तो वैसे भी जरूरत ना है। हमारा काम तो मिस गरिमा काटेलाल रोयल से चल जाएगा। ना नाम बड़े जल्दी याद कर लिया आपने। ना ना ना, यो क्रेडिट मनने ना जाता। यो तो क्या लट बजाई इन्होंने आज है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जगह आज कोई भी होता ना तो आज तो आप तो निकल लो। आपकी सिस्टर को मैं घर छोड़ दूंगा सही सलामत। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड, यू मे गो। पर बाहर अभी के अभी। इब तो यो रिपोर्ट जब ही लिखी जाएगी जब तुम मेरे स्टेशन के दहलीज के बाहर खड़ी रहोगी। खाने में टोकने वाले ना पसंद ना है मुझे। बैठिए आप। ना ना बैठ जाइए। नहीं तो मैं दहलीज के बाहर ही खड़ी हूँ। Now please finish fast। खाना खाते हैं अब। पहले मैं चख लूँ ऑफर करने लायक है भी कि नहीं, ये तो पता चल जाए। इस शहर में ना आज तक मैंने 3 डिनर और 2 लंच किए हैं। पर मांगे जो क्या लेके आया तू? यार गाय भैंस का चारा भी इससे स्वादिष्ट होता है। आपको कैसे पता? मैंने खाया है। गरिमा जी खाने का इतना शौकीन हूँ ना मैं कि चारा भी चखाया मैंने लेकिन पसंद नहीं आया। तो लेके जाइए। जब से हम यहाँ आए हैं ना अब बस खाने की ही बात कर रहे हो, काम की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो। देखो जी काम तो आपका हो ही रहा था, बस आपकी सिस्टर फालतू में चिल्पो मचा रही थी। इब यो जो पेपर्स हैं इनको ध्यान से पढ़ लो और इधर साइन कर दो। रिक्वेस्ट थी कि आप ये सब मेरे आपके पापा को मैं कुछ ना बोलूं।
कम में ज्यादा समझ लेता है कि नहीं। और वैसे भी आपकी बातें सुन के समझ में तो आ गया कि कितना खौफ है आपको पापा का। और अंकल जी को अगर ये बात पता चल गई तो छोरियां तो गई। थैंक यू। पर मेरी भी ना एक कंडीशन है, आपको भी मुझे थैंक यू कहने का एक मौका देना पड़ेगा। मतलब ना मेरा तो मानना है कि इट इज ऑल अबाउट गिविंग, सो व्हाट कैन यू गिव मी टुडे? मतलब क्या चाहिए आपको? बड़ी जिज्ञासु है आप, बिल्कुल मेरी तरह, मतलब बहुत पूछती हो। ना बार्टर सिस्टम का नाम सुना है? एक हाथ लो एक हाथ दो, पुराने जमाने में बड़ा चलता था। ये तो रुपया पीसे ने आके सब सत्यानाश कर दिया दुनिया का। मैं बड़ा तगड़ा फैन हूँ बार्टर सिस्टम का। अब जैसे मैं आपके पापा जी को ना बताऊंगा ये सब लड़ाई झगड़े के बारे में, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? ना 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 ना, ऐसी वैसी बात कोई ना है, कोई वहम मत पाल लेना मेरे बारे में, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। ना फिलहाल तो दिमाग में कुछ समझ आ नहीं रहा कि आपसे ये मांगना है। दिमाग में कुछ आएगा तो मांग लूंगा। वैसे इब लेट ना हो रहा आपको? नहीं, बैठ सकते हैं, थोड़ी बातचीत हो सकती है। रोकस, चलिए मैडम के पीछे पीछे जाइए, जब घर में घुस जाएंगी तब वापस आना। जी जनाब। ना इतना डेमो देने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे प्रोडक्शन की जरूरत है? ना ना गरिमा जी, बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, इस शहर का नया इंचार्ज हूँ मैं, और पुलिस तो अपना फर्ज निभा रही, हमेशा आपकी सेवा में निरंतर रोहतक पुलिस। ना गरिमा जी, वो पूछना था कि मम्मी को मना कर दूं? क्या, किस बात के लिए? ना मेल भेज भेज के परेशान कर दिया मेरी मम्मी ने, लड़कियों की फोटो अटैच करती हैं और भेज देती। ना मैं कितनी बार समझा चुका हूँ मम्मी को, मैं फोटो देख के शादी करने वाला लड़का ना हूँ, जब पसंद आएगी तो बता दूंगा। तो अगर कोई पसंद आ गई है तो बता दीजिए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही को तो करना है ना गरिमा जी, अब अकेले मेरी मर्जी थोड़ी ना चलेगी, अब हाँ बोल दो तो मैं बात कर लेता हूँ। मतलब फ्लैट हो गया मैं गरिमा जी, जगत को जो आपने खींच खींच के लगाया है ना, साथ ही साथ मेरा दिल भी खींच लिया आपने ना। आप फाइटर भी हो और ब्यूटीफुल भी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मम्मी को बोल ही देता हूँ कि अपनी सर्च पे फुल स्टॉप लगा दे। ओ, ना इंस्पेक्टर तो अपने थाने में होगा, ज्यादा बदतमीजी की ना तू। ना दिमाग खराब है आपका, ना जान ना पहचान ऐसे कैसे? तो आप अपना ईमेल आईडी दे दो ना, मैं अपना रिज्यूमे सेंड कर देता हूँ, मेरी फेवरेट सब्जी फेवरेट कलर सब मेंशन है उसमें। तो गरिमा जी एक बार शादी हो गई तो जान पहचान तो हो ही जाएगी ना। इससे पहले कि आप बच्चों का नाम सोच लो, एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते आप जा रहे हो ना वो रास्ता आगे से ब्लॉक्ड है, ना मुझे शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट और ना ही आप जैसे लोगों में। ना हम जैसे तो लोग ही ना मिले होंगे आपको गरिमा जी, आपने अभी देखा ही क्या, अग्नि से इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं अभी तक आपका। और रही बात इंटरेस्ट की, तो वो तो हम शादी ब्याह में जगा देंगे और इंस्पेक्टर अग्नि में भी। गरिमा, सुशीला, पुत्तू, गरिमा सुशीला कहाँ है? अयो फैट बॉबी तबीली चल हट। उठ बेटा, दुकान में आग लगी, उठ। वो दुकान में आग लगी, वेयर वेंट हाउ? वो सब मुझे ना पता, मुझे ये बता गरिमा सुशीला कहाँ है? अब तू फोन लगा उन्हें। जी फोन में इतने सारे ताले क्यों लगा के रखते हो? कौन सा खजाना छुपा रखा है इसमें? ले खोल के दे। यस सर, जी यस। यस। बालकनी से आज तो हनुमान जी भी सेव ना कर सकते गरिमा सुशीला दीदी को, अब तो सिर्फ मेरी सुताई होगी ताऊजी और पापा जी से दोनों से। मम्मी, मम्मी सॉरी मम्मी, वो अचानक से वो आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर गया था तो। हाँ वो चीकू फ्लेवर आइसक्रीम आई है ना? नहीं, वही ट्राई करने गए थे बस। वही
तो मेरी छोरियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि अपनी माँ से बड़ी बड़ी बातें छुपाने लगी हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बताओगी ना तो मुझे पता ना चलेगा? माता श्री को पता चल गया है बहन। पता चल गया है तो पिताश्री को अब तक बताया क्यों नहीं? पापा को ना बताया मैंने और बताऊंगी भी ना। ताई जी फायर इन अवर शॉप। कौन सी फायर? अरे ताई जी यू सेड फायर इन अवर शॉप, आप ही ने तो बोला। क्या दुकान में आग लग गई? दुकान में आग लग गई कैसे? अरे आग लगने से ये परेशान थे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ओह माय गॉड, सच एन एरो एस्केप। एक दिन ना संभाल सकता तू? अच्छा तो किसने संभाला? एंड दिस इज नॉट वन डे, दिस इज रोज रोज नाउ। ना तो गरिमा जी मम्मी को क्या बताना है? डर लगता है मेरी छोरी, जब पता है तुम सही कर रही हो, पर मैं क्या करूं, कैसे खैर मनाऊं तुम्हारी? इट्स लुक लाइक गरिमा दीदी के पाँव में ना स्प्रिंग सी लग गई है। ना लगता है दुकान जलने का सदमा लग गया है बहन को? तगड़ा वाला लगा है। अरे यार तुम लोग इतना मुंह लटका के क्यों चल रहे हो? पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन जेल के सलाखों के पीछे, अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता, तो खुशियां मनाओ भांगड़ा पा। न मनने तो लागे है, सारा कसूर धर्मपाल का ही है। माता रानी का श्राप लगा है अपने हाथी बाजार को। न सबूत सामने है, देख लो सबसे ज्यादा नुकसान हाथी बाजार में धर्मपाल की दुकान को हुआ है। तू ठीक कह रहा ललन, जिस दिन वो लेडीज कस्टमर दुकान में घुसी है ना उसी रात ये कारनामा हुआ है। और सोच ले पॉजिटिव, ये हाथी बाजार वाले पता नहीं क्यों लट लेके हमारी खुशियों के पीछे ही पड़े रहते। I am going to tell everyone कि मेरी सिस्टर ने बचाया पूरी हाथी बाजार को। यस हाँ ना सही कह रहा है कुत्तू, अब कल जब कोर्ट में गवाही देने जाएंगे तब तो सबको पता लगना ही है। चल रुक जाओ तुम दोनों, ये जल्दी जल्दी में हल्दी ना हो जाए। थोड़ा सोचना पड़ेगा, और गवाही देने से पहले यो सोचना पड़ेगा कि जब मार्केट में आग लगी थी तब गरिमा और सुशीला हाथी बाजार में कर के रही थी। हाँ हम यहाँ सोचते रह जाएंगे और वहाँ हाथी बाजार वाले माता रानी के श्राप की दुहाई देकर ये छोरियों का ना हमारे दुकान में आना बंद कर देंगे, और तो और हमारा गरिमा सुशीला बनकर सैलून चलाने का ड्रीम भी धरा रह जाएगा। मन ने तो लग गया कि माता रानी की चौकी बिठा लेनी चाहिए, साथ में भंडारा भी चलवा देते हैं। बात तो सही कह रहे हो अवतार चुनी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये दोनों आइडिया चोखे लग रहे हैं, पर हमें माता रानी को सॉरी नहीं थैंक यू बोलना चाहिए। ना तमने बीच में बोलने को किसने कहा है? सारे हाथी बाजार को माता रानी का शराब तुम्हारी वजह से लगा है ना। आप लोग तो बस औरतों के पीछे पड़ जाते हो, अब बोल रहे हो कि माता रानी ने आग लगवाई है। अरे आप लोग यो देख रहे हो कि कितना नुकसान हुआ है, यो ना देख रहे हो कि कितना नुकसान हो सकता था? आग टेम से बुझ गई ना, तो यो सोच के देखो कि वो माता रानी की कृपा थी या शराब। हाँ सही बात है ना, अब यो सोच लो इतना बड़ा खतरा बिना माता रानी के आशीर्वाद के टल सकता था वाला? हाँ छोरे ठीक कह रहे हैं, कल तो मैं दिद्दे मलमल के देख रहा था, आज समझ में आई बात। मैंने देखा एक औरत ने उस आदमी को जमा के लात मारी और हमारे हाथी बाजार को बचा लिया। लो हमें औरत बचाई हाथी बाजार को। हाँ और यो सोनू, यो तो खुद ही होश में ना रहता, अब तू यो बोलेगा कि उस औरत के हाथ में तलवार थी। मैंने देखा माता रानी के हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी, लंबी सी, फिर माता रानी ने उस महिषासुर को जमीन में पटक कर उस पे हमला कर दिया। महिषासुर? रे जगत, अरे बात एक ही है, जगत महिषासुर से कम थोड़ी ना है। और अब तू यो बोलेगा कि वो औरत आग से निकल कर आई थी? हाँ हाँ ऐसे ही हुआ था, आग से ही निकल के आई थी। रखे बके जा रहा तू सोनू, ना अब ये मत बोल देना कि औरत शेर पे सवार होके आई थी। कोई तो सवारी लेकर आई होगी, वरना इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई? माता रानी जय हो, मतलब माता रानी सेव ओवर हाथी बाजार, गुड गुड गुड। माता रानी कम इन माय ताऊजी ड्रीम आल्सो, डू यू नो?
हे माता रानी, हमें माफ कर देना। हाँ, हमने आपकी महिमा पे शक किया है। सारे बोलो, माता रानी तेरी सदाई जय हो। फेस देखा था आपने उनका, सो क्यूटी पाई गुड। हाँ, यहाँ के लोग ना कुछ ज्यादा ही क्यूट है। या तो छोरियों को अबला नारी समझते हैं, या तो फिर 10 हाथों वाली देवी बना के सिर पे बिठा देते हैं। अरे हमें नॉर्मल लड़कियों की तरफ रहने दो ना यार। हाँ हाँ चल। जगत ने एकदम तहस नहस कर दिया दुकान को। यार गरिमा दीदी, अब आप है ना अपनी बात से पलट रहे हो। अरे यूसीसी बॉडी तो जला है, बाकी दुकान तो सेफ है। खुशियां बनाओ, भंगड़ा पाओ। हाँ, अब देख सिर्फ सन से तो जला है, बाकी सब तो ठीक ही है। और बोर्ड का क्या है, हम दोबारा पेंट कर लेंगे। यस यस, सिर्फ सन जला है। हाँ, यो साइन है। हैं? माता रानी इशारा कर रही है। किस चीज का? ये इशारा कर रही है। चल तू मेरे साथ। अरे काटने ललन सन से सन्स के हटने का टाइम आ गया है। यो की कर रही है बहन। कोई देख लेगा, कोई देख लेगा तो देख लेगा। हम किसे डरते हैं के? सिस, मुझे तो लगता है आपकी आत्मा घुस गई थी केन में। बुरी की बुरी सुशीला ही बन गई है ये। यू क्या कर रही है बहन? इतना बढ़ चढ़ के पंगा ना ले, सही ना है ये। ना बिना पंगा लिए कुछ बदला है क्या कभी सुशीला? अब यो बता कि कौन कौन देख रहा है। अभी अभी जिनको माता रानी दिख रही थी वो सभी लोग देख रहे हैं। किसी ने फोन निकाला है? अवतार अंकल, उन्होंने पापा को फोन लगाया कि नहीं? दो लोग तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और अवतार अंकल ने तो फोन निकाला और नंबर टाइम कर रहे हैं। सही है, अब बस हाथी बाजार में पापा जी की सवारी आ जाए। भाई धर्मपाल तो पूरा बावड़ा हो लिया, एंड डॉटर से लिखवा रहा गुन्नू सत्तू से। ना बहन, इतना ही है तो आगे का प्लान भी समझा दे। ना मैं बस ये जानना चाहती हूँ, जो हाथी बाजार के वीर सूरमा है ना, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? और मुझे मालूम है ये एंड डॉटर्स वाला बोर्ड देख के ना बहुत की सुलगेगी और धुआं भी उठेगा, और यो धुआं पापा जी तक भी पहुंचेगा। और जब पापा जी ये बोर्ड देखेंगे ना, तो उनके चेहरे पे हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे आगे के एग्जाम पास करने के फर्रे। बाद में सीधा डंडा उठा के सटासट कि बताए बिना आ गए। अरे के हो गया डॉक्टर साहब, क्यों कछुए की तरह चला रहे हो गड्डी? अरे ऐसे तो अच्छा मैं रिक्शा में चढ़ा जाता हाथी बजा। हाँ चला रहा हूँ। दोनों बाप बेटी सेम ही। बोला उतार, क्या हुआ? रखे बताऊं, यहाँ तो मेला लग गया। डॉक्टर साहब जरा जल्दी जल्दी कीजिए। जी हिम्मत कैसे हुई?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.